पंजाब कैबिनेट की 5 सितंबर को अहम बैठक होगी। चंडीगढ़ में होने वाली बैठक में कई कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। इस दौरान प्रदेश में किए जा रहे विकास कार्यों के बारे में चर्चा के साथ साथ कार्य प्रगति पर भी समीक्षा बैठक की जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि 5 सितंबर को सुबह करीब 10 बजे होने वाली बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी जा सकती है। शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस ने पटियाला का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सरकारी स्कूल का दौरा कर वहां की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। साथ ही शिक्षा मंत्री ने स्कूल में अध्यापकों से भी बातचीत की। शिक्षा मंत्री ने बताया कि सीएम भगवंत मान की अगुवाई में पंजाब में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि सरकार जल्द ही उन सभी वादों को पूरा करेगी जो पंजाब की जनता से किए गए थे। डेरा बाबा नानक के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में बीएसएफ ने विशेष कार्यक्रम किया। बीएसएफ के 185वीं बटालियन ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। बीएसएफ के अधिकारियों ने सेना में भर्ती और बीएसएफ की कार्य प्रणाली के बारे में बच्चों से विचार साझा किए। इस दौरान बच्चों ने कई कार्यक्रम पेश किए, साथ ही शिक्षा को लेकर भी कई सवाल पूछे गए। इस कार्यक्रम में बीएसएफ के कई बड़े अधिकारियों ने मौजूदगी दर्ज कराई। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पुलिस की तफ्तीश लगातार जारी है। इसी कड़ी में अब मूसेवाला मर्डर के आरोपी सचिन थापन को भारत लाने की तैयारियां तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक पंजाब सरकार ने मूसेवाला मर्डर से जुड़े दस्तावेजों को केंद्र सरकार को सौंप दिया है। बता दें कि मूसेवाला हत्या आरोपी सचिन थापन गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भांजा है, जिसके अजरबैजान से गिरफ्तार किया गया है। उधर कीनिया से भी मूसेवाला मर्डर मामले के अन्य आरोपी अनमोल बिश्नोई को हिरासत में लिया गया है। उम्मीद की जा रही है कि मूसेवाला मर्डर मामले की जांच के लिए जल्द ही दोनों को भारत लाया जा सकता है। वहीं तरन तारण में धार्मिक स्थल में हुए तोड़फोड़ मामले के बाद पंजाब पुलिस के आईजी हरजिंदर भुल्लर गुरदासपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने धार्मिक स्थलों का जायजा लिया। आईजी ने धार्मिक स्थलों के प्रबंधकों से मुलाकात की, उन्हें जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने का आग्रह किया। फर्जी पासपोर्ट मामले में गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की मोहाली कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने जग्गू भगवानपुरिया को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जिसके बाद एक और मामले में पेशी के लिए उसे जालंधर कोर्ट में ले जाया गया। बता दें कि जग्गू भगवानपुरिया पर मोहाली समेत पंजाब भर में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिरौती मांगने, हथियार मुहैया कराने और गैंगस्टर के फर्जी दस्तावेजों पर पासपोर्ट तैयार कराने का भी उस पर आरोप है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में भी भगवानपुरिया का नाम चर्चा में आया था। पुलिस ने इससे पूछताछ कर कई अहम जानकारियां जुटाई थी। मुक्तसर डीसी ऑफिस में कार्यरत एक कर्मचारी से बदसलूकी के बाद डीसी दफ्तर के समूह कर्मचारियों ने एकत्रित होकर विरोध जताया। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कर्मचारी यूनियन के जिला प्रधान हरजिंदर सिंह सिद्धू ने बताया, सदर दफ्तर में कर्मचारी पुष्पिंदर सिंह और राजेश कुमार काम कर रहे थे। इसी दौरान परमिंदर सिंह नाम का व्यक्ति आया और अपने किसी काम को लेकर दबाव डालने लगा। कर्मचारी ने डाटा चेक किया तो वह असली पात्र ही नहीं नकली निकला, जिसके बाद उसने काम करने से इनकार कर दिया। आरोप है कि परमिंदर सिंह ने कर्मचारी के साथ गाली गलौज की, धमकी दी। इस घटना को लेकर कर्मचारियों में रोष है। कर्मचारियों ने मांग की है कि अगर आरोपी के खिलाफ 3 दिन के भीतर कार्रवाई नहीं की गई तो हम बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहीं मोगा के सादा वाली बस्ती में स्थित एक सरकारी मिडिल स्कूल में ताला लगने से छात्र आक्रोशित हो उठे। छात्रों ने प्रशासन के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया, शिक्षा विभाग से स्कूल खुलवाने की मांग की। बता दें कि प्रदेश सरकार के निर्देश पर शनिवार को प्रदेश के सभी स्कूलों में पेरेंट्स टीचर मीटिंग का आयोजन किया गया था। मीटिंग के लिए बच्चे जब पहुंचे तो स्कूल गेट पर ताला लगा था। बच्चों की नाराजगी के बाद पूछताछ में पता चला कि स्कूल किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी बना है। ऐसे में उसके मालिक ने तालाबंदी कर अपनी प्रॉपर्टी स्कूल को देने से इनकार कर दिया। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को मामले की सूचना दे दी गई है। वहीं फगवाड़ा में एक पेट्रोल पंप पर चोर लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए चोरों की सारी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मामला का जब खुलासा हुआ, जब पेट्रोल पंप के मालिक ने काउंटर पर जाकर चेक कैश किया। फिलहाल पुलिस ने पेट्रोल पंप मालिक की शिकायत पर केस दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
वहीं रोपड़ पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस तीन बाइक चोरों को गिरफ्तार कर चुकी है। पकड़े गए चोरों के पास से पुलिस ने चोरी की 6 बाइक बरामद की है। फिलहाल पुलिस चोरों से पूछताछ कर उनके साथियों की तलाश कर रही है। दो दिवसीय हरियाणा दौरे के दूसरे और आखिरी दिन बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष कई कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। इसी कड़ी में जेपी नड्डा ने पंचकुला में कॉमनवेल्थ खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों संग मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों के अनुभवों के बारे में जानकारी ली। इस दौरान हरियाणा बीजेपी के कई सीनियर नेता मौजूद रहे। मुलाकात के दौरान खिलाड़ियों ने भी जेपी नड्डा के साथ चर्चा में उत्सुकता दिखाई और कई विषयों पर चर्चा की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के हरियाणा दौरे का आज दूसरा दिन है। जेपी नड्डा ने हरियाणा दौरे के दूसरे दिन शुरुआत पंचकुला में माता मनसा देवी मंदिर में दर्शन के साथ की। माता मनसा देवी मंदिर पहुंचे जेपी नड्डा ने माता के चरणों में माथा टेका और प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, बीजेपी महिला मोर्चा राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष लतिका शर्मा, सांसद रतनलाल कटारिया भी मौजूद रहे। इन सभी कार्यक्रमों के अलावा जेपी नड्डा हरियाणा की कैबिनेट के मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। इससे पहले जेपी नड्डा ने शुक्रवार को पंचकुला में सांसद और विधायकों के साथ बैठक की। इस बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा समेत तमाम विधायक इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में पंचायत चुनाव, जिला परिषद चुनाव समेत हरियाणा सरकार की उपलब्धियों के बारे में भी विस्तार से चर्चा की गई। पंचकुला में बीजेपी जेजेपी की संगठनात्मक बैठक हुई। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई बैठक में सीएम मनोहर लाल, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के अलावा बीजेपी और जेजेपी के कई सीनियर नेता मौजूद रहे। बैठक में संगठन की आगामी नीतियों को लेकर चर्चा की गई। आम आदमी पार्टी उत्तरी हरियाणा की संयोजक चित्रा सरवारा ने अपने निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने जानकारी दी कि पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पूरे देश में मेक इंडिया नंबर वन मिशन कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के तहत पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आदमपुर की अनाज मंडी में 8 सितम्बर को एक जनसभा करेंगे, जिसमें अम्बाला से कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ शामिल होंगे। वहीं सोनाली फोगाट मर्डर से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई। पीए सुधीर सांगवान ने हत्या की बात कबूल कर ली है। इस मामले की गोवा पुलिस आज चौथे दिन भी जांच कर रही है। इसी कड़ी में गोवा पुलिस की टीम गुरुग्राम स्थित सोनाली फोगाट के फ्लैट और गाड़ी की जांच करेगी। पुलिस को उम्मीद है कि फ्लैट और गाड़ी की जाँच से इस केस से जुड़े कई अहम सुराग मिल सकते हैं। सोनाली फोगाट की जाँच के लिए पहुंची गोवा पुलिस की टीम ने हिसार में सोनाली के फार्म हाउस की तलाशी ली। इस दौरान कई लोगों से पूछताछ भी की। साथ ही फार्म हाउस की तलाशी के दौरान भी पुलिस ने अहम जानकारी मिलने का दावा किया। उधर सोनाली के परिजनों ने गोवा पुलिस की जांच पर असंतुष्टि जताते हुए कार्रवाई को खानापूर्ति ही बताया। वहीं चरखी दादरी के आदमपुर गांव में टीचर ट्रांसफर पॉलिसी के चलते अध्यापकों के हो रहे तबादले के विरोध ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। वहीं गांव के पूर्व सरपंच छाजू राम की अध्यक्षता में ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए स्कूल गेट पर ताला जड़ दिया। ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अध्यापकों के हुए तबादले वापस करने की मांग की। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि अध्यापकों के तबादले होने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। रतिया में भी एक स्कूल के बाहर ग्रामीण और बच्चों के अभिभावक टीचर ट्रांसफर पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं। कई अध्यापकों ने इस नीति का फायदा उठाते हुए अपनी पसंद के स्कूलों में अपना ट्रांसफर करवा लिया है। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल में पढ़ने वाले 1100 से ज्यादा छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि इस 1100 छात्रों को स्कूल में केवल 5 टीचर ही पढ़ा रहे हैं। स्कूल में नए टीचर 20 नवम्बर के बाद आएंगे, ऐसे में बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे मिलेगी। वहीं सिरसा में पशुओं में फैली रही लंपी स्किन डिसीज बीमारी को लेकर एक और जहां पशुपालन विभाग सतर्कता बरत रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण भी सरकार और विभाग के इस प्रयास से काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। पशुपालन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर विद्या सागर बंसल ने जानकारी देते हुए बताया कि अफसोस की बात है कि इस बीमारी से अब तक 500 से ज्यादा पशुओं की मौत हो चुकी है, जिसके चलते पशुपालन विभाग कोई कोताही नहीं बरत रहा है।
उन्होंने कहा कि एक और जहां स्वास्थ्य पशुओं का टीकाकरण किया जा रहा है तो वहीं गौशाला और पशुपालकों के पशु बेड़े में लगातार फॉगिंग भी करवाई जा रही है। वहीं करनाल के गोंदरगांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने का मामला सामने आया। विवाहिता के परिवार वालों ने ससुराल पक्ष पर मारपीट और आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस ने महिला के परिवार वालों की शिकायत पर केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मंडी डबवाली में एक दर्दनाक सड़क हादसा देखने को मिला, जहां एक कैनाल में कार गिरने से भाई बहन की मौत हो गई। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और दोनों शवों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है, जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि दोनों भाई बहन एक दिन पहले ही घर से लापता हुए। नूरपुर में आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता मनीषा ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रदेश में महिलाओं को 1,000 रुपये सम्मान राशि देने की गारंटी दी थी। इस योजना के तहत हर 18 साल से ऊपर की महिलाओं को हर माह 1,000 रुपये दिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि अक्सर महिलाओं को अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए अपने सगे संबंधियों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं। इसी को ध्यान में रखकर आम आदमी पार्टी ने स्त्री सम्मान राशि देने की गारंटी दी है। हिमाचल कांग्रेस के सह प्रभारी संजय दत्त ने सोलन में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर विधायक और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में सह प्रभारी ने कार्यकर्ताओं के साथ कई मसलों को लेकर मंथन किया। जानकारी देते हुए कांग्रेस सह प्रभारी संजय दत्त ने बताया, चुनाव सिर पर हैं, इसलिए कांग्रेस की नीतियों को जनता तक पहुँचाना कार्यकर्ताओं का जिम्मा है। वही किन्नौर में 100 वर्ष की मेहनत और तजुर्बे की झुरियों से भरे चेहरा जो लोकतंत्र के हर उत्सव में भाग लेते हैं। देश के प्रथम मतदाता मास्टर श्याम शरण नेगी ने आज तक पर कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की है। एक तरह एक व्यक्ति 100 वर्ष की उम्र में याददाश्त खो देता है, तो वहीं मास्टर श्याम शरण नेगी 105 वर्ष होने के बाद भी तेज दिमाग और देश में चल रही गतिविधियों श्रावस्ती में 13 साल पुराने मामले में पूर्व सांसद विनय कुमार पांडे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। ये वारंट एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किया है। बता दें कि पूर्व सांसद ने साल 2019 चुनाव में धारा 144 लागू होने के बाद भी जुलूस निकालकर भीड़ जुटाई थी। इस मामले में केस दर्ज होने के बाद पूर्व सांसद कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। इस मामले में अगली सुनवाई 14 सितम्बर को होगी। बलिया के अलावलपुर पकड़ी गांव के ग्राम प्रधान गांव के एक प्रधान अध्यापक पर गंभीर आरोप लगे हैं। ग्राम प्रधान का कहना है कि प्राथमिक विद्यालय पकड़ी में कार्यरत प्रधान अध्यापक पूर्व में मिड डे मील के भोजन में हेराफेरी करते थे। इस मामले में प्रधान अध्यापक अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को झूठा बताते हुए ये कहते हुए इसको गलत बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि मिड डे मील भोजन के पैसे का भुगतान कर दिया गया है। यूपी के बाराबंकी में हुए सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब नेपाल से यात्रियों को लेकर गोवा जा रही थी। वहीं सूत्रों के मुताबिक बस का टायर पंचर होने की वजह से बस चालक और बस को किनारे लगाकर टायर बदल दिया गया था। तभी पीछे से आ रहे ट्रक ने बस को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 14 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस और प्रशासन की सख्ती के बाद भी आगरा में धड़ल्ले से अवैध खनन का काम किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें खनन माफियाओं के एक्शन लेने पर खेरागढ़ पुलिस की टीम पर हमला कर दिया गया। फिलहाल खेरागढ़ पुलिस ने कई धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है, आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संग मुलाकात की। राष्ट्रपति भवन में हुई मुलाकात की जानकारी देते हुए राघव चड्ढा ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरा किया। इस दौरे के दौरान सीएम हरिद्वार के देव संस्कृति विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां वह ज्ञान दीक्षा समारोह में शामिल हुए। इसके बाद मुख्यमंत्री ज्वालापुर के पीठ बाजार पहुंचे, जहां उन्होंने गणेश महोत्सव कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया और भगवान गणेश की पूजा अर्चना की। उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने बैकडोर से भर्ती मामले को लेकर प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि मैं किसी को भी निराश नहीं होने दूंगी, सबके साथ न्याय जरूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा में हुई भर्तियों के लिए जांच समिति गठित कर दी गई है, जांच पूरी होने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में महंगाई के विरोध में होने वाली कांग्रेस की महारैली को लेकर हरिद्वार के लक्सर में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इस बैठक में दिल्ली कूच करने की तैयारियों को लेकर समीक्षा की गई। साथ ही इस दौरान उत्तराखंड कांग्रेस सेवा दल के प्रदेशाध्यक्ष राजेश रस्तोगी ने कार्यकर्ताओं से ज्यादा संख्या में महारैली में शामिल होने की बात कही। हरिद्वार में खुले में पेट्रोल डीजल की बिक्री को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। इसे लेकर क्षेत्र के तमाम पेट्रोल पंपों पर निषेधाज्ञा लागू कर खुले पेट्रोल डीजल और अन्य ज्वलनशील पदार्थ बेचने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। जानकारी देते हुए लक्सर के उप जिला मजिस्ट्रेट गोपाल राम बिनवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि कई बिंदुओं के मद्देनजर ज्वलनशील पदार्थ बेचने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं रामनगर में एक पूर्व सैनिक द्वारा ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को पीटने का मामला सामने आया, जहां पुलिस ने पीड़ित पुलिसकर्मी की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी है।